अपने जिमों में ना पाउडर वाउडर होते नहीं है इतने, ठीक है, तो उतनी ग्रिप के लिए पंगा रहता है, तो उस वजह से लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा ग्रिप उनकी ना अपने आप ट्विस्ट हो जाती है थोड़ा बचा के रखने के लिए। वेट की बात आई तो अब मूवमेंट ठीक नहीं है, वेट कर लिया आपने, वेट मारो 100 किलो दिखाने के लिए, भाई हमें तो वेट हैवी मारना है तो ऐसे लगेगा कब बेइज्जती हो जाएगी। अपना मूवमेंट ठीक करके पहले अपना मूवमेंट तैयार करो। आप अभी मैं जैसे नींव की बात बताता रहा था पैरों से, तो आप पहले से अगर पहले जब वर्कआउट आपने शुरू किया तभी से आपको बताने वाला ठीक होगा, तो आपको पहले अगर पहले से आपने मूवमेंट ठीक लेके चले तो आपकी ग्रिप खराब होगी ही नहीं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं जाता हूँ तो ऐसे वो मूवमेंट कंफर्ट नहीं लगता, ये वाला कंफर्ट लगता है, तो क्योंकि आपने ये वाला ये किया नहीं ना पहले से, पहले से आपको ये वाली आदत है करने की, तो ये कंफर्ट लगेगा ही जो आप पहले से करते आ रहे हो। अगर आप पहले से ये लेके चलते तो आपको ये कंफर्ट लगता प्रोबेबली हो सकता है। हाँ, अब सेम बाइसेप्स का है, आप बाइसेप्स कर रहे हो तो आपका प्रेशर यहाँ रहता है, ठीक है, हथेली इस चीज पे, अच्छा, हथेली पे यहाँ पे रहता है, ठीक है। आप डंबल कर रहे हो तो ये रहेगा, जबकि आपका प्रेशर आपका हाथ ये चलना चाहिए। अब देखो यही कर रहे हैं छोटी उंगली की, देखो देखो इतना मैं इतना हल्का सा कितना 90 डिग्री अभी इतना सा मूवमेंट चेक करके किया, इतना सा कर लिया, देखो बाइसेप्स यहाँ पे कितना फर्क आया, ये कितना फर्क आया, बस इतना सा चेंज करने पे है। अगर मैं ऐसे करके कर रहा हूँ तो देखो सारा बाइसेप्स पे मूवमेंट इम्पोर्टेंट है, सारा यहाँ पे है, और हल्का सा ऐसे कर दिया तो इधर उधर डंबल का प्रेशर भी वो आधा हाथ पे यहाँ पे चला गया, आधा वेट मसल्स पे गया, मसल्स, और हमें वेट पे फोकस नहीं करना, हमें मसल्स को थकाना है, मूवमेंट उसके लिए मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। आपका मूवमेंट ठीक है तो आप मूवमेंट ठीक करके वेट कितना भी कर लो, अब आपको वेट लिफ्टिंग थोड़ी ना करने जा रहे हो तो उससे हाँ। बंदे गेन कर जाते हैं, बट वो गेन नहीं, वो गलत तरीके से गेन करते हैं, थोड़ा सा नहीं, वो मूवमेंट ये मसल को गेन नहीं करवाते, तो डाइट वाला जो हमने पहले ही बात करी वो तो जो असली शेप आती है वो नहीं आती, वो गोल सा हो जाता है फिर, वो तो बॉडी का थोड़ा सा किसी बॉडी का ही नहीं, लेकिन मूवमेंट का भी आई थिंक फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ता ही है, मूवमेंट का ही मैं बता रहा था। वैसे तो कोई पूछने को थोड़ा सा स्टेरॉइड की कहानी सुनाई है हमने, कैसा रहा वो स्टेरॉइड्स का? तो देखो अब तो बहुत सारी चीजें चल गई हैं, अब नुकसान भी बहुत ज्यादा है, तो मैंने कुछ इतने ज्यादा लिए नहीं है। आजकल कौन सी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है? आजकल नॉलेज तो मुझे सारे को सबका पता है, क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है, सही क्या, वो इंजेक्टेबल पे तो कम से कम जाना चाहिए बंदे को, वो तो आगे चल के नुकसान करती ही करती हैं। मैंने क्योंकि मैंने खुद भी इतने नहीं लिए, मैं आया था जिन के चक्करों में तो लगाए हैं, पर इतने नहीं लगाए, मैं बीच में ही कभी भी कंपटीशन टाइम पे भी मैंने इतना स्टेरॉइड यूज किया ही नहीं, अपना नॉर्मल डाइट पे रहा। नाम कुछ मेंशन करना चाहिए किसी ड्रग्स के जो स्पेसिफिक हो और जिनके बारे में? नहीं, वही पुराने चलते आ रहे हैं सबको, ज्यादातर क्या पता है वही चलाते हैं। लीन के लिए चला दिया आपने स्टेना, क्लेम्बिट्रोल और अपना टेस्टा प्रोपोनेट चला दिए, और गेनिंग पे आए तो डेका टेस्टा चला दिए, एक दो चीजें और सार्म वगैरह आ गए हैं आजकल, HGH वगैरह, तो वो हार्मोन्स ग्रोथ वो चला दिए। हाँ, ये चीज ही ज्यादातर इन्हीं पे फोकस है सबका, और तो बाकी तो बहुत चीजें आ गई आजकल। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो आपका फिर मतलब आपने क्या रहा, मतलब वो कैसी गलती हो गई जो वो एक्सपीरियंस हो गया? गलतियां मेरे को इतने नुकसान नहीं हुए, पर गलतियां मैं वही बता रहा था जो चीजें मैं झेलता हुआ आया हूं। इन्वॉल्व कैसे हुए इस चीज में, मतलब आपको ट्रेनर ने रेकमेंड किया या आपके बॉडी बिल्डिंग लाइन में? नहीं नहीं नहीं, ये स्टेरॉइड्स किसने रेकमेंड किया? जैसे जैसे मैं भी, मेरी भी कौन सा इतनी बॉडी एकदम से बन गई, मैं भी धीरे धीरे यार ऐसी बॉडी बनानी है, ये भैया बता रहे हैं तो ये अच्छा ही बता रहे होंगे, इनकी बॉडी बनी हुई है, तो ये मैं भी ऐसी अपना मजे में लगा रहा, जैसे उन्होंने बता दिया अरे ये चीज चला ले, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वैसे ही। और आजकल के बच्चे भी यही करते हैं, अरे उन बॉडी भैया की बॉडी अच्छी है, उन्होंने ये चीज बताई है, ये ले आएंगे, तो वो दिक्कतें होती है सबके साथ, और कुछ दिक्कत नहीं होती। तो आपके साथ क्या हुआ था, मतलब उससे ग्रोथ हुई थी मसल्स की, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट आपको समझ आया? तो कुछ नहीं हुई ग्रोथ, साइड इफेक्ट कुछ समझ आया उसका? हुई, हमेशा मैंने ये देखी अपनी बॉडी को, क्योंकि मैं लेवल पे कंपटीशन टाइम पे भी लेके आया, कभी किसी के कहने से कंपटीशन खेल लिया, किसी ने कहा पानी छोड़ दे कंपटीशन से पहले, तो जिस दिन बॉडी वेट करा रहा हूँ उस दिन तो बॉडी अच्छी खासी पंपिंग है, उस दिन मैं नॉर्मल डाइट पे हूँ, और जिस दिन मैंने रात को कंपटीशन है, मेरा मेन कंपटीशन फाइनल कंपटीशन था, मैंने रात को पानी अपना छोड़ 5-6 किलो पानी छोड़ के वेट निकल कर दिया, अब सुबह मसल्स
वो पंपिंग ना करे, ठीक है, हाँ मसल्स ही नहीं वो कर रहा हूँ, डंबल कर रहा हूँ यार मसल। तो अपनी बॉडी का सबका अपने ऊपर है, किसी की बॉडी क्या है पानी छोड़ के ही मसल सारा, क्योंकि वो पहले से डाइट वाला जो हम बता रहे थे अभी, तो वो क्योंकि डाइटिंग करके करते हैं पहले से ही शुरू, तो उनका फोकस फिर उसी से रहता है, वो वैसे ही डाइट पे चलेंगे, हाँ वो पहले से डाइट उनकी अलग चलती है, तो उसी हिसाब से सबकी सोच बस पहला तो मेटाबॉलिज्म का नुकसान होता ही है। उसके बाद फिर जब स्टेरॉइड लेने के बाद कई लोगों को जैसे दाने हो जाते हैं बॉडी पे, रैशेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये भी काम पहले बात कर रहे थे प्रोटीन वाली, तो प्रोटीन वाली बात वो क्या लोकल प्रोटीन और उससे थोड़ा सा उससे, हाँ, उससे फर्क होता है, वरना अगर आप तरीके से अच्छा प्रोटीन और प्रोटीन चला रहे हो और अपनी बॉडी में सारे विटामिन्स की कमी जितनी भी है अपना तरीके से पूरी कर रहे हो तो कुछ नहीं होता, ये दाने वगैरह नहीं निकलते। तो स्टेरॉइड्स के क्या डिसएडवांटेज होते हैं फिर, मतलब वो किस तरह से खत्म करते हैं? वैसे तो स्टेरॉइड बस ये है स्टेरॉइड, बाकी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर से बुखार की दवाई लेने जा रहे हो, वो ज्यादा उससे ज्यादा स्टेरॉइड आपको वो दे देता है, ये भी बात सही है, उससे ज्यादा दे रहा है, आप जब से पैदा हुए तब से ही इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, कभी ये तो कुछ और है ना, ये कुछ और तो नहीं है, ये भी आप जो डेका टेस्ट है मैं बता रहा था आपको, जब आपको वीकनेस आ जाती है डॉक्टर आपको क्या देता है ग्लूकोज में डाल के, अच्छा यही तो चीजें दे रहा है, वही चीज अगर आप और कोच के थ्रू ले रहे हो तो वो चीजें स्टेरॉइड में भाई वो तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि आपकी आप अपनी अगर प्रोटीन डाइट और विटामिन्स बॉडी के पूरे कर दो तो आपको बॉडी का जरूरत नहीं होती। तो किस लेवल तक मतलब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल फेडरेशन अलाउ करता है, मतलब यूसेज लेवल? देखो डोप टेस्ट में तो आप फेडरेशन अलाउड करता ही नहीं है, अगर डोप टेस्ट आपका हुआ डोप टेस्ट में आगे कुछ लेवल तक होता होगा बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बिना स्टेरॉइड वो चलती नहीं है, बिना उनके थोड़ा बहुत तो चाहिए, हाँ, चाहिए ही होता है वो एक लेवल तो, वो तो है कि हमें तो बिल्कुल ही ऐसे जाना है लीन होके एकदम से, तो तरीके से तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं आजकल, तो वो निकल ही जाता है डोप टेस्ट में, निकलते ही हैं अब जो मैं फेडरेशन बता रहा था इतनी सारी, उनमें कोई डोप टेस्ट वगैरह का कुछ नहीं होता, उनमें तो कितने भी ले लो और खेल लो उसमें तो अपना। क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं आपको शुरू में क्या बता रहा था कि उन्हें मतलब स्पॉन्सरशिप से मतलब है ना, जो नई नई फेडरेशन जितनी सारी फेडरेशन हो गई है वो तो चलो पैसा देके चलो मान ले, अब मैंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ज़्यादा करी है कॉम्पिटिशन में तो मेरी वहाँ पे पूरी पावर है, अगर मेरे से मेहनत करिए थोड़ा बस कम भी दिख रहा है ना यार उसे फर्स्ट कराना है तो फर्स्ट ही आएगा, वो तो चलो मेहनत करके बच्चा आया है ना वो फर्स्ट नहीं आएगा। उसमें एक 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 मुद्दा ये हो गया कि आपको आपने मतलब सेटिंग कर ली इसकी, ठीक है, एक सेटिंग हो गई, और दूसरा मुद्दा हो गया डोपिंग का। डोपिंग का इनमें है नहीं ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें डोपिंग वगैरह कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट इनमें टेस्ट नहीं है, मतलब टेस्ट का खुला के ले जाओ जितनी मर्जी, हाँ जब इनकी सर्टिफिकेट की मान्यता ही नहीं है, अच्छा। कुछ नहीं है तो ये तो रख के अपने बस कॉम्पिटिशन खेल के आपको मोहर लग गई है, आप ये कॉम्पिटिशन खेलो, बाकी फिर मुझे लगता है इससे क्या होता है जो फेडरेशन पीछे होती है उसके पीछे जो प्राइवेट फेडरेशन है वो अपने प्रोडक्ट चलाएगी, अपने प्रोडक्ट चलाएगी, हाँ, कि हमारा ये बंदा प्रोटीन का नाम खराब है लोकल और इसी में के पाउडर नहीं खिलाना हमें, पाउडर नहीं खिलाना अपने बच्चे को, पाउडर नहीं खिलाएंगे हम खुद भी, पाउडर नहीं खाएंगे, कोई भी आएगा भैया पाउडर नहीं लूंगा बिल्कुल भी, पाउडर है क्या चीज, पाउडर नहीं लूंगा तुम वैसे सब कुछ खा रहे हो वैसे पाउडर नहीं लूंगा, अपने डाइट पूरी करो तरीके से करो, फेडरेशन का भी यही है, अब उन फेडरेशनों को क्या है पैसा कमाना है, स्पॉन्सरशिप लिए पैसे इतने सारे बंदे जुड़े हैं उससे, अब वो सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए जितने भी काम कर रहे हैं उसमें, तो अब उनको पैसे कमाने से मतलब है, वो फ्यूचर से मतलब नहीं है बच्चे के, फ्यूचर क्या करेंगे आगे चल के, संग्राम क्लासिक काफी पॉपुलर है, संग्राम क्लासिक देखो संग्राम IBBF से ही जुड़े हुए हैं, वो मेरे बहुत सीनियर है, मैं तो तब शुरू भी नहीं की थी, तब मैंने पहला कॉम्पिटिशन शुरू किया था सैफई महोत्सव का 14 जब मैं बता रहा था आपको 14 दिसंबर 2014 में 28 दिसंबर 2014, तो तब वहाँ पे वो गेस्ट पोजिंग करने आए थे, मेरा पहला कॉम्पिटिशन स्टेज पे खड़ा हुआ था मैं वहाँ पे, वो गेस्ट पोजिंग में थे, तो बहुत सीनियर है वो, IBBF से ही जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है, तो उसी से वो अब इतने सीनियर हो, अब उन्होंने छोड़ दिया है, वर्ल्ड वगैरह जीते हुए हैं स्पॉन्सर महाराष्ट्र की तरफ से बहुत है, संग्राम चौगले जी, तो उन्होंने अपना ही जैसे सेरू क्लासिक है ऐसे ही उन्होंने अपना संग्राम क्लासिक किसने शुरू किया? वो सेरू उनका सेरू ने ही शुरू किया, सेरू जी हैं
इंटरनेशनल लेवल को इंडिया में लेके कर 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 लाए, तो उन्होंने फिर अपना धीरे धीरे अपना ही बना दिया, सेरू क्लासिक के नाम से ही अपना शुरू कर दिया फिर। तो अब वो इंटरनेशनल पे, अब उनका बहुत ज्यादा हो गया, बहुत पुराने है ना, तो उन्हीं ऐसे ही लोग, अब ये तो इंटरनेशनल से जुड़े, ये अपना सारी गवर्नमेंट से इनसे जुड़े हुए हैं IBBF वगैरह से, अब इन्हीं को देख देख के फिर सबने अपने 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 शुरू कर दिए, यार हम भी क्यों ना बना लें, हम भी पैसे कमा लेंगे। बट वो क्रेडिट नहीं है उसके साथ। अब कोई नई चीज आती है, जो पुरानी चीज चल रही है वो पुरानी हो गई। अब संग्राम जी, वो उन्होंने बनाया संग्राम का क्लासिक जो बना, ये सबको पता है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है भाई संग्राम सिंह का, और हमें इसमें खेलेंगे तो थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो ऐसे फेडरेशन ऐसे ऐसे खेले बनना, ऐसे में जाते से इसलिए डरते हैं क्योंकि इनमें जो प्लेयर आते हैं वो अपना गवर्नमेंट से, रेलवे के हो गए, नेवी के हो गए, तो वो पूरे अच्छे बड़े प्रॉपर तरीके से आते हैं, फिर वहाँ पे जजिंग में इतना। तो आजकल जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी एक होती है आर्नोल्ड क्लासिक, जो थोड़ा सा क्लासिक फिजिक होती है वो, तो देखो, और एक होती है जो आजकल जिसमें जो मोमेंटम चेंज हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा गेनिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मसल, एक वो मसल वाला, हाँ, बल्क मसल्स वाला हो गया, तो बॉडी बिल्डिंग, प्रो बॉडी बिल्डिंग जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो आजकल हो गया है, मतलब बिगेस्ट बल्क जो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग ही रहेगा ओलंपिया और वो अलग, ये बॉडी बिल्डिंग आजकल फिटनेस और क्लासिक शुरू हो गया है कॉम्पिटिशनों में, फिटनेस लाइन हो गई, क्योंकि मैं अभी बता रहा था आपको लेग्स पे कोई फोकस नहीं करता, अब लेग्स तो नीचे से कमजोर है, अब तो अपर तो इतना बड़ा है, बर्मुडा पहन के आते हैं कुछ, अपर तो इतना बड़ा है, अब वो क्या करते हैं, वो सब फिटनेस में आ गए हैं, क्योंकि लेग्स पे वर्क है नहीं, अब उसमें तो पूरा बॉडी बिल्डिंग, तो आपको पूरा लेग्स पे भी, पूरी बॉडी का आपको लेवल लेके चलना है, क्वार्टर पहन के आते हैं, हाँ, नीचे से लेके अपर तक बॉडी बिल्डिंग में, तो आपको पूरा लेवल लेके चलना है, बॉडी का पूरी लेवल पे होनी चाहिए। अपनी जगह सब सही है, पर वो उसी हिसाब से सीख के चले, हमारी मन की बात नहीं। रिकॉर्डिंग खाते हुए ले रिकॉर्ड कर, ये हार्दिक गुलाटी ईटिंग, वाओ तेरे बिल्कुल मुंह के अंदर जूम इन हो गया है, देख।